जी, तो आज हम टिप्स एंड ट्रिक सेशन के बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, जो कि जिसे बेसिक चैप्टर भी बोलते हैं आईटी के, तो इसमें पेपर कैसे आ सकता है और कितना आ सकता है। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो सारा थ्योरी बेस है, क्योंकि इससे इतने ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं आते। ज़्यादा जो प्रोबेबली 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 to 3 भी आ सकते हैं किसी के पेपर में, 1 भी आ सकता है। अब वो आएंगे कहाँ से? देखें, रीड तो आपने सारा करना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी इस चैप्टर की, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है यार। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसमें टॉपिक हैं इस चैप्टर के, वो है एक डिफरेंस है LED और CRT के दरमियान, ठीक है? वो डिफरेंस बताया हुआ है, उसमें से आते हैं क्वेश्चन, वो डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है? उसके बाद कहाँ से आ सकता है? उसके बाद यार OMR, OCR, ट्रैक बॉल्स वाला एक टॉपिक है यहाँ पे, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वहाँ से MCQs बनता है कि OMR किस लिए यूज़ होता है, इसके क्या फंक्शन है, OCR किसके लिए यूज़ होता है। फिर प्रिंटर वाला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, जो खास तौर पे थर्मल प्रिंटर है, वहाँ से MCQ आता है। इनके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए होते हैं, ये आते हैं लाजमी, एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। ज़्यादातर जो प्रिंटर से आता है वो वार्म अप टाइम के बारे में आता है, किस प्रिंटर का वार्म अप टाइम है, किसका नहीं है, आपकी बुक में मेंशन है, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है? 3 टॉपिक मैं फिर बताता चलूँ, LED एंड CRT में डिफरेंस, OCR, OMR, MICR, ट्रैक बॉल, माउस, ये वाला टॉपिक, एंड प्रिंटर एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स जो टॉपिक है प्रिंटर्स का, 3रा टॉपिक। ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन पे आपने अपनी फुल ग्रिप रखनी है और साथ सेल्फ टेस्ट करना है। एंड चैप्टर नंबर 2, 3 स्किप कर दें, नहीं हो रहे स्किप कर दें। आज तक इस चैप्टर से सिर्फ एक MCQ ही आता है या नहीं आता, अक्टूबर में आया है एक MCQs, 2 भी आए हैं, वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। ये बेसिक कंप्यूटर होता है ना जो आपका, आप चलाते हैं माई कंप्यूटर, लोकल डिस्क डी यहाँ पे पड़ी है, डिलीट कैसे करते हैं कोई फाइल, इसको रीनेम कैसे करते हैं, टास्क बार क्या होता है, पिन क्या होता है, ये वाली चीज़ें आती हैं। तो ये सिंपल, इसने पता क्या करना है, इसमें आपने इसका सिर्फ सेल्फ टेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? और नहीं कुछ करना। चैप्टर नंबर 2 एंड 3 स्किप भी कर दें, कोई ज्यादा मसला नहीं बनता। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, जिसे हम MS Excel भी बोलते हैं, ओके? चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि सिंपल चैप्टर है। हाँ, आ सकता है टेम्पलेट के अबाउट, ठीक है? के टेम्पलेट का कैसे लग सकते हैं, ऑनलाइन भी लग सकते हैं, या आप अपने MS Excel से भी लगा सकते हैं, या आप सर्च करके कोई भी टेम्पलेट भी लगा सकते हैं, बजट का हो, किसी भी चीज़ का हो, इनवॉइस का हो, सिर्फ ये। फिर आई थिंक इसी चैप्टर में है प्रिंटिंग, प्रिंट कैसे लेते हैं, प्रिंटिंग की सेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि आप पर पेज कितनी प्रिंटिंग कर लेते हैं, वो सारा दिखाया गया है यार। लैपटॉप को चलाना सीखें, MS Excel को यूज़ करना सीखें, एक एक उसके ऑप्शन को ओपन करके देखें कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब चैप्टर नंबर 5, 6 पे आए तो फार्मूलाज ही फार्मूलाज हैं। हाँ, लोग परेशान होते हैं वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में, तो भाई इससे कोई क्वेश्चन इतना मुश्किल? हाँ, जो पूछा गया अक्टूबर अगस्त में कि वी लुकअप के वी का क्या मतलब है, या एच लुकअप के एच का क्या मतलब है, तो भाई वी वर्टिकल होता है, एच हॉरिजॉन्टल होता है, ये सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। फिर कितने फंक्शन हैं, आप एच लुकअप फार्मूला लिखें अपनी MS Excel की शीट में, तो वो आपको बताएगा 4-5 ऑप्शन आते हैं। आई थिंक बुक में हर ऑप्शन को, इसकी एक एक लाइन लिखी हुई है, वो अच्छे से रीड कर लेनी है। अच्छा, फिर चैप्टर नंबर 6 में आए तो फार्मूलाज पूछता है सब टोटल, इफ उसने फार्मूला आपको बना के दिया होता है। मजे की बात, अक्टूबर में सम का फार्मूला पूछ लिया, के आप देखें ना, आप
एम एस एक्सेल के किसी भी सेल में इक्वल का साइन लगाएंगे, एस यू एम लिखे, तो उसकी सारी डिटेल आ जाती है उस फार्मूला की। ये भी एक किस्म की आपकी ऑफलाइन हेल्प होती है, ठीक है। ऑनलाइन हेल्प अवेलेबल नहीं होगी पेपर में, जो एफ वन की प्रेस करने से पहले लोगों को मिल जाती थी, अब नहीं मिलती। आप प्रेस करेंगे वो ऑप्शन दे देगा कि भाई नहीं है अवेलेबल, एंड वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं होता, कोई चीज़ आप ऑनलाइन सर्च भी नहीं कर सकते। अच्छा, चैप्टर नंबर सिक्स में आया कि आपको दो तीन वैल्यूज दी गई थी, इनका सम करके इनका सम निकालो, टोटल कितना होता है इनका, तो सिंपल था। एंड फिर आया कि ट्रिम का एक ऑप्शन है, आई थिंक लॉजिकल फंक्शन है, एंड में कुछ फंक्शन है, उसमें से ट्रिम का और मिड का एम आई डी, ठीक है, फिर एम ओ डी मोड का भी, ये पूछे गए। और इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नेस्टेड फार्मूलाज है ना जो, वो अच्छे से कर लेने हैं आप लोगों ने। एक फॉर्मेटिंग नंबर्स है ना जो, उसको अच्छे से कर लेना है कि फोन नंबर, हाँ एक बात याद रखना, जो वहाँ पे फॉर्मेटिंग कस्टम फॉर्मेट है ना, उसमें जो फोन नंबर होता है उसमें पाकिस्तान का फोन नंबर शामिल नहीं है, जो हमारा कोड होता है ना +92 वो नहीं होता। ये वो पूछ लेता है कि पाकिस्तान का उसमें नाम आता है, तो नहीं आता। एक और कंट्री है आई थिंक यूएस, यूके इंग्लिश है, पता नहीं यूएस इंग्लिश है, उनका भी नहीं आता। ये एमसीक्यूज था। फिर चैप्टर नंबर सेवन ना थोड़ा ऐसे ही अजीब सा चैप्टर लगता है सबको, लेकिन मुश्किल नहीं है। इसमें वो डाटा के बारे में बताया जाता है ज़्यादा, कि डाटा आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। इसमें मज़ीद कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट है भी लास्ट वाले जो टॉपिक है ना, आई थिंक वर्क बुक्स वाले हैं या वर्कशीट वाले हैं, मर्ज वाला, वो चैप्टर नंबर 8 में ना सिक्योरिटी के साथ जो रिलेट करता है, सिक्योरिटी में पूछ लेता है। हाँ, पासवर्ड केस सेंसिटिव होना चाहिए, ये एमसीक्यूज है। बाय द वे, बुक में जहाँ पे नोट लिखा होगा ना एन ओ डी ई, वो लाइन लाजमी पढ़ कर जाए, वो एमसीक्यूज बनता है। ये जो चैट्स आ रही हैं ये मैं देखता हूँ, एंड में देखूंगा, अभी फिलहाल चैट ना करें, आपकी क्यूरीज के लिए आपको मिलेगा। नो वॉइस, आयजा बिशारत कह रही है नो वॉइस, बाकी सबको वॉइस आ रही है यार, मैं कब से बोल रहा हूँ। हसान बिन अमजद, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ना आपने याद करवा दिया, ये है इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से वो पता क्या पूछता है, वो कुछ डाटा देगा, फिर ना वो कहेगा बार लगा के दिखाएं, बार लगा कर दिखाएं, या परसेंटेज भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी वैल्यूज बढ़ी जा रही है, कौन सी वैल्यू छोटी है, वो पूछ सकता है, एवरेज पूछ सकता है, किस वैल्यू की सबसे ज़्यादा एवरेज जा रही है, ठीक है, ये पूछ सकता है। थैंक यू फॉर योर कम्प्लीमेंट, आपने बताया, मेरे जहन में नहीं था ये टॉपिक। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी के बारे में पासवर्ड का पूछ सकता है, केस सेंसिटिव होना चाहिए, जो पासवर्ड आप लगाएंगे वही पासवर्ड। हाँ, एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू नोट कर लें, ये पूछा था उसने कि जो आपका पासवर्ड होता है, आप किसी वर्कशीट पे किसी वर्कबुक पे लगाते हो, अगर आप वो भूल जाएं फिर क्या होगा? तो भाई फिर अल्लाह की मर्जी, पासवर्ड रिट्राइव नहीं होता कभी भी, कुछ भी कर लेना। कुछ लोग कहते हैं विंडो ख़त्म करके नई विंडो से हो जाए, नहीं होता, विंडो से भी रिट्राइव नहीं होता, कुछ भी कर लीजिएगा पासवर्ड नहीं मिलता, फॉरगेट पासवर्ड। हम अपना यहाँ पे आईडी का पासवर्ड भूल जाए ना, तो फॉरगेटन पे करके हम अपना रीन्यू करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं करवा सकते, पासवर्ड याद रखना है। ये एमसीक्यूज आया हुआ था। चैप्टर नंबर 8 का जो लास्ट पोर्शन है ना, मर्जिंग वर्कशीट, वर्कबुक, शेयर्ड वर्कबुक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, जो चैप्टर नंबर 7 के एंड में भी है, 8 के एंड में भी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत एमसीक्यूज बनते हैं यार यहाँ से, ये लाजमी पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी आती है, ठीक है। प्रैक्टिकल में फार्मूलाज ही पूछ सकता है एम एस एक्सेल में, और कुछ नहीं। बाय द वे, सुजेस्ट करूँगा हर फंक्शन को खोल के देखा करें, लाइक होम टैब है, इंसर्ट टैब है, इनके डिफरेंट आगे इसके मेन्यूज में जाएं, उनको ओपन करके देखें कि क्या क्या फंक्शंस हैं, बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यूज होती हैं, क्या नहीं होती, ठीक है, रो कितनी लगा सकते हैं, रो की हाइड कैसे करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं, रो की जैसे कॉलम की विड्थ, रो की हाइट, ये भी आप देख सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट कितनी होती हैं, ये एमसीक्यूज आते रहते हैं। यार बुक नहीं है यार मेरे पास, बिलाल बशीर, बुक नहीं है, चैप्टर चैप्टर बता रहा हूँ ना, पेज नंबर क्या करने हैं आपने। हाँ जी, तो एम एस वर्ड की तरफ मूव करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा इसमें टॉपिक होगा, चैप्टर 9, 10 एंड 11, तीनों का इकट्ठे बताऊंगा टॉपिक नेम्स,
सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट को अच्छे से छान मारें, एज करनी है उसकी, थ्योरी पढ़ें, उसका प्रैक्टिकल करके देखें। प्रैक्टिकल वहाँ वो आपसे टेबल ऑफ कंटेंट बनवाएगा नहीं, इसके बारे में परेशान नहीं होना। टेबल ऑफ कंटेंट वो कभी नहीं बनवाएगा, वो जस्ट ना उसके फंक्शंस पूछता है कि दरमियान में के टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल कितने तरीकों से आप लगा सकते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, ठीक है। इसमें फंसाएगा, 9 लेवल्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, ये बात याद रखना। MCQ आया हुआ था, चेक कर लेना आप, हेडिंग भी लग सकती हैं, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट की डेफिनेशन है वो आती है, वो याद रखना, बुक पे है। फिर एंड नोट फुट नोट के बारे में पूछेगा, लाजमी करना है। एंड नोट कहाँ पे लगते हैं, डॉक्यूमेंट के एंड में लगते हैं या कहाँ पे लगते हैं? फुट नोट डॉक्यूमेंट के एंड में लगता है, शुरू में लगता है, ये पूछेगा। ओके, हेडर एंड फुटर पूछेगा कि कहाँ कहाँ पे लगते हैं, कितने कितने लगते हैं, किस तरह से लगते हैं। यार सारा कुछ बुक में है, थ्योरी पे नज़र रखें ज़्यादा से ज़्यादा, मैं फिर बता रहा हूँ, थ्योरी देखनी है, बुक की थ्योरी पढ़ें और साथ साथ प्रैक्टिकल करें। अब तो टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी रिव्यू करते जाएं बस बुक को। एंड फिर एक टेबल्स का अलग से ऑप्शन है MS वर्ड में, वो करना है सारा। टेबल MS एक्सेल से भी ऐड हो सकता है, जी हो सकता है, एक्सेल की सेपरेट शीट ऐड हो सकती आ जाती है। टेबल आप खुद भी बना सकते हैं ड्रैग मेथड से, टेबल मैनुअली भी बना सकते हैं, इतने कॉलम इतनी रो रख के। एक चौथा और तरीका है, वो मुझे अब याद नहीं है, वरना वो भी बताता। वो चारों तरीके दिए हुए हैं बुक में, ठीक है। अच्छा जी, और आप लोगों की नज़र में कोई MS वर्ड का टॉपिक हो, उसका टॉपिक का नेम लिख दें, मेरे पास बुक नहीं है वरना बता देता, टॉपिक नेम लिख दें, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगा। हाँ जी, पेज ब्रेक सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के यार जो है ना चार वहाँ पे आई थिंक बुक में है, राइट साइड वाले पेज पे हैं, जिसमें वो विडो ऑर्फन वाला है एक आई थिंक, एंड पेज टूगेदर वाला है, चार हैं, चार डेफिनेशंस। भाई घोल के पी लो, एक MCQ आना ही आना है, एक नंबर ना वो अपना गंवाना वहाँ से, ठीक है। शेयर्ड वर्क बुक का मैंने बता दिया है दुआ महर, कि इसकी थ्योरी रीड करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये देखना है जब वर्कबुक शेयर हो जाती है तो कौन से ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं और कौन से ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले रहते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था ना, वो चार डेफिनेशंस, पेज लाइंस टुगेदर, विडो ऑर्फन, ये चारों अप्लाई नहीं करनी, वहाँ पे होती हैं, आप ढूंढेंगे ना MS वर्ड में मिल जाएंगे। ये चार इंपॉर्टेंट हैं यार, MCQ आना है, एक नंबर मत गंवाना अपना। हाँ, सेक्शन ब्रेक का आता है, सेक्शन ब्रेक कहाँ कहाँ लग सकती है, वो पूछ लेगा, दरमियान में लग सकती है, इसको रिमूव कैसे करते हैं सेक्शन ब्रेक को, ठीक है। वो पता है ना, होम टाइम में पेज शो एंड हाइड पेज होता है, शो एंड हाइड पेज पैराग्राफ, वो कॉला ब्लैक कलर में एक डॉट होता है, उसको लगाएं तो फिर वो स्क्रीन पे शो हो जाती है, फिर उसके राइट साइड पे रख के बैक स्पेस या डिलीट की प्रेस करते हैं तो वो डिलीट हो जाती है, ये चीज़ थी। और कोई टॉपिक है MS वर्ड का बताएं, स्लाइड मास्टर पावर पॉइंट में उस तरफ आते हैं। हाँ, और एक बात और, कि जो MS Excel, MS Word, MS PowerPoint के जो टेम्पलेट की डेफिनेशन हैं वो सबकी अलग अलग हैं, इनको गुलाम इलाला ने ना आपस में, अलग अलग डेफिनेशन हैं, अलग अलग याद रखना है इसको। पेज ओरिएंटेशन, ये इसका ना डिफरेंस कुछ इस तरह से है कि जो वर्ड की ओरिएंटेशन होती है ना, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, बाय डिफॉल्ट पूछेगा आई थिंक। वर्ड में पेज ओरिएंटेशन जो बाय डिफॉल्ट होती है आई थिंक वो पोर्ट्रेट है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, पोर्ट्रेट होती है आई थिंक। और पावर पॉइंट में जो बाय डिफॉल्ट होती है, जो मतलब पहले से ही टिक होती है, वो लैंडस्केप होती है। MS Excel, MS वर्ड में पोर्ट्रेट होती है और MS पावर पॉइंट में लैंडस्केप होती है। अच्छा जी, इंडेंट, हाँ जी, FG टू मी, FG एक तो अपना नाम लिख लें यार, और वॉइस किस टॉपिक पे कटी है, आई थिंक बाकी सबको तो समझ आ रही है जी। ये हसान भी समझे, सिटेशन बताता हूँ आगे बिब्लियोग्राफी के साथ। रूलर से इतना ज्यादा पेपर नहीं आता, रूलर्स का नहीं पूछता।
एक नंबर पक्का वाली। अच्छा यार वो थी एमएस वर्ड में, अब मुझे चैप्टर नहीं याद कौन सा है, वो जिसमें विडो ऑर्फन लाइन लाइंस टुगेदर, ये पेज पैराग्राफ टुगेदर, यार चार ऑप्शन है। अगर किसी को उस टॉपिक का नाम पता है ना तो वो भाई को बता दें, मेरे जहन में नहीं आ रहा। विडो और ऑर्फन मेरे जहन में आई जा रहा है, बस ये वाला था। वो ना राइट साइड पे है, राइट पेज पे चार डेफिनेशंस एक बॉक्स में लिखी हुई है, बॉक्स बना हुआ है उसमें है। हाँ रूलर की डेफिनेशन आ सकती है, लेकिन जो उसके नेक्स्ट स्टेप है ना वो नहीं आते। इसी तरह से इंडेंटेशन है ना, जिस तरह वो भी राइट इंडेंट लेफ्ट इंडेंट, ये पूछेगा कितने इंडेंट लग सकते हैं। वो इंडेंटेशन की सेटिंग ओपन करेंगे ना, वहाँ होता है राइट इंडेंट लेफ्ट इंडेंट अप इंडेंट, इस तरह के इंडेंट दिए हुए हैं, वो देख लीजिएगा एक बार। पेज 253, बिलाल बशीर कह रहे हैं पेज 253 उस पे है। इत्र तालम आप क्या भूल गई हैं, आपका कहीं मैसेज शायद मेरी नजर से गुजर गया, अगेन टाइप करके लिख दें। एमन फातिमा, मैं अभी पावर पॉइंट पे आया ही नहीं हूँ, उसका बताता हूँ, अभी तो एमएस वर्ड ही चल रहा है। अबाउट चार्ट्स, जी चार्ट्स आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़े हैं ना, वहां पे डिटेल से पढ़े हैं, यहाँ पे जो चार्ट से ऑप्शन इतना नहीं आता। हाँ अक्टूबर में आया चार्ट बनवाया उसने, एक डाटा दिया था, आई थिंक क्रिकेट मैच का कोई डाटा था, डिफरेंट बैट्समैन के स्कोर दिए हुए थे, तो उस स्कोर पे ना एक उसने चार्ट दिया था, पता नहीं अब उसका नाम नहीं याद, कि वो चार्ट उस पे लगाएं और किसका चार्ट सबसे ज़्यादा बड़ा जाएगा। ठीक है, तो जिसका चार्ट बड़ा होगा वो पूछता है कि हाईएस्ट चार्ट किसका था, तो वो उस प्लेयर का नाम वहाँ पे होता है, वो उसका आंसर था। जी हसान बिन अमजन थैंक यू। यार ये थे वो चार ऑप्शन, विडो ऑर्फन, कीप विद नेक्स्ट, कीप लाइंस टुगेदर, पेज ब्रेक बिफोर, ये चार ऑप्शन। इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, भूलना मत, और इनको आपस में मिक्स भी मत करना। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, विडो ऑर्फन, यार विडो ऑर्फन बुक में लिखा हुआ है सारा, मैं कह रहा हूँ ना वो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता, वो डेफिनेशन मांगता है, उसकी बुक में लिखी हुई है एक डेढ़ लाइन की, उन चार लाइंस में। अच्छा एमएस पावर पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14, मिक्स बताऊंगा टॉपिक, क्योंकि टॉपिक मुझे नहीं याद कि किस चैप्टर के कौन से होते हैं। अच्छा तो इसमें जो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, स्लाइड मास्टर, स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड्स क्या होती हैं, ये वाली। अब स्लाइड मास्टर या स्लाइड सॉर्टर व्यू में वो पूछता है कि आपने लगानी है स्लाइड्स पावर पॉइंट में, लग गई। अब उन स्लाइड्स पे अगर आप कोई शेप ऐड करते हैं, जिस तरह 10 स्लाइड्स लगाई हैं आपने, आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी थी, जिस तरह एक मिसाल लेते हैं मैंने लेक्चर देना है आपको, मैंने 10 स्लाइड्स बनाई उसकी, हर टॉपिक की, एक टॉपिक था उसकी 10 स्लाइड बनाई भाई, मैं अगर स्लाइड नंबर 1 पे जो शेप ऐड करूंगा, ये क्वेश्चन था, तो क्या वो बाकी स्लाइड्स पे भी लगेगी, क्या ख्याल है, लगेगी बताएं। मैं स्लाइड नंबर 1 पे शेप ऐड करता हूँ, उसमें कुछ लिखता हूँ, क्या बाकी, मैं एक टैग लगाता हूँ अपने चैनल का, क्या वो दूसरे स्लाइड पे लगेगा, या एक एक करके लगाना पड़ेगा कि सिर्फ एक पे ही लगाना जरूरी होगा, जल्दी से आंसर दें। दानियल कह रहे हैं यस, एमन कह रही है नो, एसन कह रहे हैं नहीं, अहमद अवान कहते हैं लगेगा एक पर, मुजम्मिल वेरी गुड, मुजम्मिल, मुजम्मिल ने सही आंसर दिया, वो कहता है अगर आप अप्लाई टू ऑल पे कर देंगे फिर वो सब पे लग जाएगा, जी वेरी गुड, एक पे नहीं लगेगा, नो वाले भी ठीक है। हाँ जी एक पे अप्लाई आल पे कर देंगे ना तो फिर मैनुअली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पे लगाएंगे सब पे लग जाएगा। ठीक है तो ये एमसीक्यू आया हुआ था। जी 107979 अजर, ये कह रहे हैं स्लाइड मास्टर में लगेंगे तो सब पर लग जाएगा, जी जी वही बात हो रही है।
अच्छा फिर इसमें आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक ना कहते हैं कि टॉपिक या चार्ट वगैरह जो हम कुछ भी ऐड करेंगे वो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं यार। एमएस वर्ड से भी हो जाएगा, एक्सेल की स्प्रेडशीट भी लग जाती है, खुद से भी टेबल बन जाएगा। ये ना तीन चार टॉपिक ना मिक्स हो जाते हैं एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट के, तो इन पे जरा ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मीडिया, ऑडियो फाइल्स एंड आपकी जो है वो वीडियो फाइल्स, पता है ना, पढ़ा होगा आपने। अब जी इसमें क्या फर्क है, वीडियो दो तरह से लगती है, एक लिंक के जरिए आई थिंक, एक एम्बेडेड होती है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बुक में दिए गए हैं, अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि लिंक कहाँ पे ब्रेक होगा कहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से ऑडियो फाइल्स में ट्रिम कैसे होगी, साउंड एंड वीडियो कैसे ऐड करेंगे। अच्छा एक और चीज़ है साथ आती है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो स्लाइड्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है ना, वो वहां पे दो ऑप्शंस होंगे। एक होता है कि आपने पर स्लाइड जो है वो रिकॉर्डिंग करनी है स्लाइड्स की, एक होती है पर स्लाइड, एक होती है कि भाई पूरी प्रेजेंटेशन चलने दो उसकी रिकॉर्डिंग होती है। आपकी मर्जी होती है, आप जिसे करना चाहते हैं। मैं स्लाइड वन पे आपको पढ़ा रहा था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब मैंने स्लाइड टू पे आना है, तो क्या रिकॉर्डिंग जो स्लाइड वन पे 10 सेकंड की हो गई थी, स्लाइड टू पे रिकॉर्डिंग 11 सेकंड से स्टार्ट होगी या 0 से स्टार्ट होगी या दोनों से हो सकती है, बताएं, आंसर दें। आसान बिन अमजद कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं, दोबारा बता दें। अली असमर कह रहे हैं 11 से, एमन कह रही है 0 से, बिलाल बशीर 0 से। बस तीन बंदे हैं बताने वाले, चार। मुदम्मिल कह रहे हैं सीक्वेंस से, मोहम्मद अताउल्ला कह रहे हैं 0 से, तो भाई जवाब है दोनों तरह से। क्यों? हाँ आपके जवाब ठीक है, मानता हूँ 0 वाले का भी ठीक है यार। उसमें ना वहां पे ऑप्शन होता है, शायद आपने देखा नहीं, दो ऑप्शन होते हैं, एक चल रही होती है कंप्लीट स्लाइड का टाइम, एक चल रहा होता है पर स्लाइड का टाइम। आपकी वहां से मर्जी है, कंप्लीट स्लाइड का टाइम चला लें या पर स्लाइड अलग अलग काउंट कर लें टाइम। फिर जब पर स्लाइड अलग अलग टाइम काउंट हो जाएगा, वो एंड में आके कंप्लीट हो जाएगा, वो बता देगा हाँ भाई पूरी स्लाइड चली है 10 की 10, तो इतना टाइम लगा है, एक एक स्लाइड पे जितना आपने टाइम कंज्यूम किया उतना टाइम ये इनका है। ठीक है, किसी तरह से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एंड 1122 तारीख जी, तारिक मलिक कह रहे हैं जी पेपर कब से होंगे, डेट बता दें। पेपर 19 से ही स्टार्ट है, 19 से 22 तक आई थिंक आई कैप ने डेट दी हुई है, तो उसी के दरमियान होंगे या गैप भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते, आपके एडमिट कार्ड से पता चलेगा, जो कि मंडे से ऑनवर्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, जी बताता हूँ। ट्रांजेक्शन एंड एनिमेशंस, ट्रांजेक्शंस में जो इफेक्ट लगते हैं ना स्लाइड्स पे, कि ये वाला इफेक्ट लगाएं, उसकी तीन कैटेगरीज हैं, मुझे कैटेगरीज के नाम नहीं याद अभी आ रहे, तो तीन कैटेगरीज होते हैं ना, एक एंट्रांस होती है आई थिंक, और एक एंड लास्ट में जो एंड वाली होती है, एक ओपन करने वाली होती है, तो ये तीन होती हैं, तो उसमें से ना वो एक ट्रांजेक्शन का नाम देगा, वो कहेगा ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक है, ट्रांजेक्शन में भी ये होगा, एनिमेशन में भी ये होगा। और कोई टॉपिक? बिल्कुल रिकॉर्डिंग देंगे यार, बिल्कुल रिकॉर्डिंग देंगे, क्यूएम की भी अभी अपलोड होनी है, आईटी की भी होगी। सर गैप कितने बड़े होंगे, भाई मैंने बताया था डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट होते हैं। अक्टूबर का हाल दे देता हूँ आपको, अक्टूबर में जो सबसे पेपर पहले पेपर हुए थे 3 तारीख को आई थिंक पेपर था, तो पहला पेपर मुल्तान में हुआ था, मुल्तान की पहले नाम ही पहले मुल्तान का आता है। 3 को पहला पेपर था, फिर 4 को छुट्टी थी,
पांच को पेपर था, छह को पेपर था, सात की छुट्टी थी, आठ को पेपर था, इस तरह से पेपर हुए थे डिफरेंट स्टूडेंट। भाई डिफरेंट टाइम होता है यार, डिफरेंट टाइम होता है, डिफरेंट डेट होती है हर बच्चे का। तो डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट थे। अच्छा, आठ नौ को मुल्तान के खत्म हुए तो लाहौर के शुरू हुए थे 11-12 को, 5 दिन बाद उनके। अब जी सुने, इस्लामाबाद में या लाहौर में था शायद QM के पेपर में आठ छुट्टियां थी, आठ आठ छुट्टियां थी बच्चों को। लेकिन आई थिंक अब नहीं ऐसा होने वाला। ICAP ने बिल्कुल डेट दी हुई है कि हम पेपर लेंगे 19 दिसंबर से 22 के दरमियान। अब देखो सब सिटीज के इसी डेट को या इससे बाद होते हैं, या इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एडमिट कार्ड से पता चलेगा, एडमिट कार्ड एड्रेस पे लेट पहुंचे तो भाई अपने वेबसाइट पे जाना लॉगिन एरिया में। एडमिट कार्ड आपके घर नहीं आएंगे, वो CRN कार्ड आता है, एडमिट कार्ड लॉगिन एरिया भी आएगा। वेबसाइट पे जाएंगे, उसका पेज होगा, उसको पेज को स्क्रीनशॉट लेके बाजार से प्रिंट निकलवा लें, ब्लैक एंड व्हाइट निकलर फुल निकलवाएं, कोई मसला नहीं, ठीक है। और पेपर देने जाना है, अपना आईडी कार्ड, अपना एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है, और कुछ नहीं लेके जाना। आईडी कार्ड नहीं बना तो अपना बे फॉर्म ले जाना। टेम्पलेट्स की एक बात पूछनी थी, कैन बी क्रिएटेड बाय स्क्रैच और बाय एग्जिस्टिंग फाइल। हाँ, एग्जिस्टिंग फाइल पे टेम्पलेट ऐसे होगा जिस पे फाइल पे आप काम कर रहे हैं। लाइक MS Excel में आप एक प्रोजेक्ट का, मतलब उसकी एक प्रोजेक्ट की सीरीज बना रहे हैं, कितना काम हो गया, इतना पैसा लगा, ये वो। हाँ, अब टेम्पलेट, आपने कहा यार मैं इतना खप रहा हूँ, टेम्पलेट होते हैं रेडीमेड चीज़ें, बनी बनाई मिल जाती हैं, तो मैं इस पे एग्जिस्टिंग फाइल पे ही टेम्पलेट लगा दूँ, ये होगा एग्जिस्टिंग फाइल का। स्क्रैच क्या होता है, काम नहीं किया, आपने ऑनलाइन सर्चिंग की टेम्पलेट की कि प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ उसकी मुझे डिटेल चाहिए, तो वहां से टेम्पलेट उसका मिल गया, आपने न्यू स्क्रैच किया और अपना काम शुरू कर दिया, ये था डिफरेंस। छः QM में, दो IT में, हाँ यार ऐसा ही था, काफ़ी वो थे। सबका पेपर भी चेंज, नहीं पेपर नहीं चेंज होता, क्वेश्चन सेम होते हैं, शफल हो रहे होते हैं, तरतीब चेंज होती है बस। पेपर चेंज नहीं होता, पेपर सेम होता है, एक सेशन का सेम होगा। 9 बजे पेपर है जिनका, उनका जो 11 बजे जिनका होगा वो 9 वाला पेपर नहीं होगा, सेशन वाइज डिफरेंट पेपर। 9 बजे वाले जितने बच्चे क्लास में होंगे, बैठे होंगे वहाँ, उनका पेपर सेम, ये होता है। अच्छा यार, बिब्लियोग्राफी स्टेशंस, इनको ना अच्छे से पढ़ना है कि बिब्लियोग्राफी कहाँ पे लगती है, कैसे लगती है। नहीं लगानी आती तो मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं उस पर, पावर पॉइंट में मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है यार, वो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने QM की क्लास में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास के 161 बच्चे पास हुए थे जिन्होंने कहीं से नहीं पढ़ा था, सिर्फ इंस्टीट्यूट उन्होंने यही यूज़ किया था, ज़ीशी स्टडी पोर्टल के चैनल को अपने IT की प्रिपरेशन के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे पास हुए हैं सारे, क्योंकि मैंने ना उनमें एक एक चीज़ बताई हुई है, एक एक चीज़। पेपर फिजिकल होंगे, हाँ जी फिजिकल भी होंगे, ऑनलाइन भी होंगे, अंडरटेकिंग जो आपने सबमिट की थी वही होंगे। QM के पेपर में हमें क्या लेकर जाने की इजाज़त होती है, लाइक स्टेशनरी, एक बॉल पेन ले जाना, दो बॉल पेन ले जाना कहीं ये ख़राब ना हो जाए इसलिए, एक कैलकुलेटर, परमिशन एबल कैलकुलेटर जो ICAP ने परमिशन दी हुई है, और बस और कुछ नहीं स्टेशनरी में, और कुछ लेके ही नहीं जाने देंगे वो। पानी वानी वो कुछ खुद देते हैं आपको वहाँ पे, मुल्तान में तो दिया था, दूसरे सिटीज़ का पता नहीं, रहम दिल लोग हैं ICAP वाले के, नहीं। बे फॉर्म ओरिजिनल जी, आईडी कार्ड भी ओरिजिनल, बे फॉर्म भी ओरिजिनल। मुझे एंग्जाइटी इशू है। नेस्ले का पानी देते हैं, नहीं नेस्ले नहीं, वो एक्वा का देते हैं यार, मैंने यही सुना था। कराची में पानी देते हैं यार, मुझे नहीं पता कराची का, मैं नहीं आया कभी कराची। बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास रख लेते हैं अगर आप कहते हैं तो, क्लासेस सबकी होनी है बट आज ही रखनी है तो, क्योंकि आई थिंक 3 बजे सर दाऊद शायद का सेशन भी है, या सेशन है तो नहीं रखेंगे, अगर नहीं है तो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्लास है वो क्लास लेंगे आप, नहीं आया तो हम रख लेंगे, वरना फिर सुबह।
मेडिसन यार, वो अब मेडिसन का मुझे नहीं पता, ले जाने देते हैं। नहीं, मेडिसिन खा के चले जाना था पेपर देने। कल रखना है कि अभी रखना है यार, अभी बताएं। दो कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। हाँ जी, लेके जा सकते हैं भाई, ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल ठीक लेके जाएं, क्योंकि जो कैलकुलेटर अगर हो गया ना खराब, पेपर नहीं रुलेगा, उसकी जिंदगी रुल जाएगी। अच्छा सर, हाँ यार आप ले जाना मेडिसिन, बट उन्हें जब रूम में एंट्री होगी ना, उन्हें बता कि हर 30 मिनट बाद भाई मुझे लेनी पड़ती है, मेरा प्रॉब्लम है, तो वो कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहते। भाई 10:30 तो मैं सो के उठता हूँ, 12 बजे होगा फिर सेशन कल बिजनेस कम्युनिकेशन का, और आई थिंक 2 बजे एफ ई का। अच्छा शान बिन अमजद, आप ना वो रिकॉर्डिंग रोक दें यार, पढ़ लिया है ना?